All right, so आज हम very interesting as well as important topic के बारे में बात करेंगे. तो topic ये है कि क्या छोटा बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा गवाही दे सकता है या नहीं. आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हो जाता है या फिर उसने किसी को ऑफेंस करते हुए देखा है एकमात्र, तो ऐसे में क्या उसकी जो गवाही है, यानी कि अगर वो कोर्ट में गवाही देगा कि हाँ भाई इसने, इस पर्सन ने ऐसा किया है, तो क्या उसकी जो गवाही है वो मानी जाएगी या नहीं. So answer of this question is after intro. So let's start intro. Gande bitch fair hoya yaar mera rab na bhi fair bolta tezab meri akhan vich dar duniya e kehndi main Gareeb-Akbar. So okay, to sabse pehle hum baat karenge ki law ki nazaron mein jo chota bachcha hai ya yani ki jo bachcha hai wo hai kaun. तो वो है जो 18 साल से नीचे वाला बंदा, वो बच्चा कंसीडर किया जाता है. 16 साल से जो नीचे है वो भी बच्चा कंसीडर किया जाता है. 7 साल से या 12 साल से जो भी नीचे है वो बच्चा कंसीडर किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ उनको बच्चा ही मानता है. अब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर दें, बच्चा ही है हमेशा. अब कोर्ट क्या क्या देखता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कंडीशन है वो हमें मिलती कहाँ है कि जो बच्चा है वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 118 यह कहता है कि कोई भी पर्सन आके अपनी गवाही दे सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन गवाही दे सकता है उनको छोड़कर जिनका या तो बच्चा दिमाग है. ओके, आपने सुना होगा कि ये तो बच्चा दिमाग है वगैरह वगैरह, उनको छोड़कर या उनको छोड़कर जिनका जो दिमाग है वो काम नहीं करता, यानी कि जो बुढ़े हो गए हैं, जो समझने में अनेबल है, यानी कि जो कंडीशंस को समझ ना सके, उस पर्सन को हम गवाही के लिए नहीं बुला सकते. अदरवाइज हम किसी को भी बुला सकते हैं. तो इससे एक बात तो साफ है कि बच्चे भी गवाही दे सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई भी बच्चा गवाही दे सकता है, तो कोर्ट क्या देखती है. तो ऐसे केसों में क्या होता है, हमारे पास कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि कोर्ट देखती है बच्चा कितना समझदार है. अगर जो बच्चा है वो समझता हो, सारी चीज़ें समझता हो, तो कोर्ट उसकी गवाही को एक्सेप्ट करेगी. अगर कोर्ट को लगता है कि जो बच्चा है वो कुछ समझता नहीं है या फिर ये इसमें बच्चा दिमाग है, इसको किसी ने कुछ पढ़ाया है लिखाया है, यानी कि कोई इसको प्री प्लानिंग करके लाया है, तो उसकी जो गवाही है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. ओके, जनरली डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर, यानी कि कोर्ट देखेगी कि बच्चा समझता है या नहीं. ओके, अब ये नहीं है कि कोई भी बच्चा है तो उसकी गवाही मानी जाएगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा है तो उसकी जो गवाही है वो ना ही मानी जाएगी. ओके, ये डिपेंड करता है बच्चे के लेवल के ऊपर, बच्चा कितना समझदार है या फिर कितना वो है. ओके, एग्जांपल के तौर पे सपोज कोई पर्सन है, कोई छोटा बच्चा है, सपोज कोई 12 साल का बच्चा है. ओके, वो रेप कमिट कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है, उसको पता है कि मैंने रेप किया है, तो ऐसे में क्या है, वो बच्चा नहीं है, यानी कि वो एक समझदार पर्सन है, उसको पता है रेप क्या होता है, उसको सब कुछ पता है, तो वो एक बच्चा है. तो ऐसे ही कोर्ट अपने केस के फैक्ट्स में देखेगा, यानी कि उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जिससे पता चले कि वो बच्चा है, कितना समझदार है, कितना वो अनपढ़ है, क्या उसको समझ में आता है, सारी रिलेवेंट चीज़ें उससे पूछेगा. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. तो सरल शब्दों में कहें तो बच्चे गवाही दे सकते हैं, लेकिन जनरली डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर कि कोर्ट उस बच्चे के बारे में क्या सोचती है और जो बच्चा है वो कितना समझदार है. अब यहाँ पर बात आती है कि सपोज कोई केस ऐसा है जिसमें जो सारा गवाही है वो बच्चे के ऊपर टिकी हुई है, यानी कि उसमें एकमात्र जो बच्चा ही वो ही गवाह है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोर्ट ऐसे केस को बच्चे पर नहीं निर्भर करती पूरी तरह से, यानी कि कोर्ट कुछ और भी एविडेंस देखेगी अदर देन उस बच्चे की गवाही. ऐसे क्या पता कोई बच्चा किसी के अभाव में या भाव में आके कुछ बोल दें, तो इनोसेंट को तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट सारा कुछ एविडेंस इकट्ठा करता है, सारा कुछ पता करता है, यानी कि उस बच्चे के भरोसे नहीं छोड़ते उस केस में जिसमें अकेला बच्चा ही एक गवाह है. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. बाय.